दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे ओप्पो F27 एंड वीवो Y300 प्लस के बीच एक स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। यदि आप भी इन दोनों फ़ोन के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सा फ़ोन गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए आपको बाय करना चाहिए, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ स्टार्ट करेंगे हम दोनों फ़ोन के स्पेसिफिकेशन से। बात करें ओप्पो F27 की, तो दोस्तों इसमें आपको डायमेंसिटी 6300 ऑक्टा कोर CPU मिलता है। मान लीजिए 57 इसमें आपको GPU मिल जाता है। यह फ़ोन एंड्रॉयड 14 पर रन करता है। 5000mAh की इसमें आपको बैटरी मिल जाती है। यह फ़ोन हमारे पास फिलहाल 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज वाला फ़ोन है और इसका प्राइस दोस्तों आपको ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास देखने को मिल जाता है। वहीं दोस्तों अब बात करें वीवो Y300 प्लस की, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 695 ऑक्टा कोर CPU मिलता है। यहाँ आपको एड्रीनो 619 GPU मिल जाता है। यह फ़ोन भी एंड्रॉयड 14 पर रन करता है और इसमें भी आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाती है। और यह फ़ोन भी हमारे पास 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज वाला फ़ोन है और इसका प्राइस दोस्तों आपको ऑलमोस्ट 23,000 के आसपास देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फिलहाल ये थे दोनों फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस। अब हम करेंगे दोनों फ़ोन के बीच एक छोटा सा रिव्यू टेस्ट और देखेंगे आखिर कौन सा फ़ोन पहले रिस्टार्ट होता है। दोस्तों ये था इन दोनों फ़ोन का रिबूट टेस्ट। अगर रिबूट टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको Y300 प्लस रिबूट टेस्ट में फास्ट देखने को मिलेगा एज़ कम्पेयर टू ओप्पो F27, लेकिन ये कम्प्लीटली स्पीड परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है। इसके लिए हम अब करेंगे एक स्पीड टेस्ट कंपैरिजन और यहाँ से आपको क्लियरली बताएंगे अगर किस फ़ोन की स्पीड परफॉर्मेंस आपको फास्ट देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये था इन दोनों फ़ोन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन जो कि आपने देख लिया है। अगर यहाँ दोनों फ़ोन की स्पीड परफॉर्मेंस की बात करें तो इस कंडीशन में आपको वीवो Y300 प्लस स्पीड परफॉर्मेंस में थोड़ा सा फास्ट देखने को मिलेगा। हालांकि ओप्पो F27 भी स्पीड परफॉर्मेंस के मामले में देखा जाए तो यहाँ ठीक ठाक है, लेकिन जब बात कंपैरिजन की आती है तो उस कंडीशन में वीवो Y300 प्लस थोड़ा सा फास्ट आपको देखने को मिलेगा। अब हम करेंगे दोनों फ़ोन के बीच रैम मैनेजमेंट टेस्ट और देखेंगे आखिर किस फ़ोन का रैम मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये था रैम मैनेजमेंट टेस्ट। अगर यहाँ रैम मैनेजमेंट की बात करें तो रैम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग भी आपको वीवो Y300 प्लस काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है एज़ कम्पेयर टू ओप्पो F27।
तो यहाँ अगर ओवरऑल दोनों फ़ोन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको वीवो वाई 300 प्लस F27 की तुलना में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देगा, चाहे वह स्पीड परफॉर्मेंस हो या फिर रैम मैनेजमेंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे कि नेक्स्ट वीडियो के साथ। गुड बाय एंड जय हिंद।